कुछ कोडिंग मिथ्स को बस्ट करूंगा आज के इस वीडियो में फटाफट से। नंबर वन, यू कैन नॉट गेट अ कोडिंग जॉब इफ़ यू आर नॉट अ सीएसई गाय। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि आप लोगों को जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास हो और आप लोगों को कंप्यूटर साइंस आता हो। ऑन पेपर आपको कंप्यूटर साइंस आने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर कंप्यूटर साइंस आना चाहिए एंड डेफिनेटली यू कैन ब्रेक इनटू द कोडिंग इंडस्ट्री। बहुत आसान है मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है और मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पर लोगों ने मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बावजूद भी कोडिंग में अपना फ्यूचर बनाया। नंबर टू, एनीवन कैन लर्न कोडिंग एंड स्टार्ट मेकिंग मनी बाय डूइंग फ्रीलांसिंग। ये एक बहुत बड़ा मिथ है और बहुत सारे लोगों द्वारा बताया जाता है कि यार आप कोडिंग सीखें, आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और पैसे बरसने लग जाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है। मेरे हिसाब से फ्रीलांसिंग से पैसे कमाना एक बहुत ही बड़ी टेक्निक है और इसको मास्टर करना, मैं तो कहूँगा इवन स्टार्ट करना, अपना पहला रुपया भी फ्रीलांसिंग से बनाना थोड़ा सा मुश्किल तो है। आप इंडीड कोडिंग सीख सकते हैं और उसमें भी आपको टाइम की ज़रूरत होती है। कोडिंग कोई हलवा नहीं है कि आप एक महीने में सीख के फ्रीलांसिंग से लाखों करोड़ों रुपए बनाने लग जाओ। ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा मिथ है और इसको बस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सोच से सिर्फ आते हैं टेक इंडस्ट्री में, यानी कि कोडिंग इंडस्ट्री में, कि यार हम यहाँ पर फ्रीलांसिंग से जो काम कर रहे हैं वो तो करते ही रहेंगे और फ्रीलांसिंग से कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी कमा लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक बड़ा मिथ है। इसके बाद अगला बहुत बड़ा मिथ कि यू नीड हाई एंड लैपटॉप्स टू लर्न कोडिंग। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मेरे हिसाब से एक बेसिक लैपटॉप, और व्हेन आई से बेसिक, वेरी बेर मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप इज इनफ टू स्टार्ट कोडिंग। हाँ, आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी हाई एंड GPUs, TPUs एंड मे बी आपको एक बहुत खतरनाक प्रोसेसर की ज़रूरत पड़े अगर आप कोई मॉडल ट्रेन कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में CPU इंटेंसिव प्रोसेस है। लेकिन स्टार्ट करने के लिए नहीं, आप लोगों को बहुत ही बेसिक लैपटॉप चाहिए। बिलीव भी, अगर आपके पास एक लैपटॉप ही है ना, बस उतना काफ़ी है। अब वो लैपटॉप क्या है, कितने कम कॉन्फ़िगरेशन वाला है, 10-15 साल पुराना है, आई डोंट नो। अगर आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो कि फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स और सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा जो चीज़ रहती है, यू कैन गेट अ जॉब इन फैंग एंड बाय लर्निंग कोडिंग वेरी ईजिली। देखो यार, फैंग में जॉब प्राप्त करना बहुत आसान नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार फैंग में हम जाएंगे और बड़े आराम से हम इंटरव्यू देंगे, हमने पाइथन सीख लिया, अब हम फैंग का इंटरव्यू दे दें, DSA कर लिया, फैंग का इंटरव्यू दे दें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं एक बड़ी से बड़ी कंपनी में जाना, यानी कि उनकी कोडिंग स्किल्स को सैल्यूट मैं बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी उनका फैंग में सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो, फैंग में या किसी भी कंपनी में सिलेक्शन का जो पहला क्राइटेरिया है वो पता है क्या है, कि आपको जो आता है, आपका जो स्किल सेट है वो मैच करना चाहिए, वो जो स्किल सेट ढूंढ रहे हैं उससे। अगर वो मैच ही नहीं कर रहा है तो वो आपको नहीं लेंगे। उन्हें नहीं पता कि आप लोगों को कितनी कोडिंग आती है, आप कितनी एफिशिएंट कोडिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग पाइथन में DSA यूज़ करके उनके पास जा रहे हैं और उनको करवानी है इमेज प्रोसेसिंग, आप DSA पाइथन में जानते हैं, आपकी लॉजिक बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, इमेज प्रोसेसिंग आपने कभी नहीं करी है, लेकिन वो तो देख रहे हैं कोई इमेज प्रोसेसिंग वाला बंदा, तो आपका सिलेक्शन वो कर भी सकते हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे यार हमारा तो सपना है फैंग में जाना। डेफिनेटली सपने आप लोग देखो, और ऐसा नहीं है कि आप अगर फैंग की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एक कंपनी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए दूसरी कंपनी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। डेफिनेटली तैयारी करो, एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाओ, और मैं तो कहूँगा इसी माइंडसेट से जाओ कि यार मेरा तो होगा ही होगा, बट इट्स नॉट दैट ईजी जितना लोगों ने बना रखा है आज की तारीख में। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको मैं बस्ट करना चाहता हूँ। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो जो मेहनत है, वो जो हार्डवर्क है जो कि आपको करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा इस तरह की कंपनी में ब्रेकआउट करने के लिए, उसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना है, और मेहनत करके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लोगों को अपने गोल्स को अचीव करना है। इसके बाद पांचवा मिथ है, यू नीड टू बी अ टॉपर या फिर इंजीनियर टू ब्रेक इनटू द कोडिंग इंडस्ट्री। नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है मेरे हिसाब से। इसके बाद आता है, यू नीड टू बी अ टॉपर और इंजीनियर टू मेक मनी फ्रॉम कोड। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि मेकिंग मनी फ्रॉम कोड और मेकिंग मनी फ्रॉम कोड बाय डूइंग अ कोडिंग जॉब, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप लोग कोडिंग से पैसे बड़े आराम से कमा सकते हो अगर आपका अप्रोच राइट है, अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के साथ चलते हो, अगर आप लोग इस माइंडसेट के साथ चलते हो कि यार आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, फिर चाहे आप एक बिजनेस कर रहे हो, फिर चाहे आपकी एक बहुत ही छोटी सी दुकान भी है, आई डोंट केयर, यू कैन स्टिल मेक मनी फ्रॉम कोड। तो ना ही तो आपको टॉपर होने की ज़रूरत है, ना ही आपको इंजीनियर होने की ज़रूरत है, बस वो माइंडसेट चाहिए आप लोगों को। मैंने इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है फास्टेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम कोड वाले वीडियो में, उसको ज़रूर चेकआउट करना। एक बहुत ही बढ़िया
मेरा पर्सपेक्टिव मैंने उसमें दिया हुआ है, एक ऐसी बात बोली है जो कि शायद आपको बहुत कम सुनने को मिलेगी, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद। मिथ नंबर 6, यू नीड टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स टू गेट अ जॉब। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार डीएसए मास्टर करना पड़ेगा, स्टैक क्या होती है, ग्राफ क्या होती है, क्यू क्या होता है, प्रायोरिटी की क्यू क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कैसे मेमोरी मैनेजमेंट काम करता है, C++ पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से इट्स अ मिथ, क्योंकि कोडिंग में अगर आप लोगों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और अदर आपको इंटरेस्ट आ रहा है वेब डेवलपमेंट में, डिज़ाइनिंग में, आप लोग कोर वेब डेवलपमेंट वाले गाय हैं या गर्ल हैं, और आप लोग यहाँ पर सिर्फ HTML, CSS, JavaScript, Node.js, React, Next.js इन सब चीज़ों को मास्टर करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली डू दैट विदाउट डूइंग DSA। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि DSA अच्छी चीज़ नहीं है, DSA बुरी चीज़ है, या फिर कॉलेज में तो DSA चाहिए ही होती है, अगर आपको यहाँ पर जॉब चाहिए 10% कंपनीज ही होती हैं जो बिना DSA, इस तरह की बातें बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको, बट यहाँ पर सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है कि अगर आप DSA नहीं करते हैं तो भी क्या आपके लिए फ्यूचर है। तो DSA आपको करनी करनी है अगर आप लोगों को एक कोडिंग जॉब चाहिए, इज अ मिथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिथ नंबर 7 इज कोडिंग विल मेक यू सुपर रिच। कोडिंग कैन मेक यू रिच ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट कोडिंग कैन नॉट मेक यू सुपर रिच। ऐसा नहीं है कि आप आज कोडिंग करो, कल सुबह उठो और आपके पास जो है करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं बैंक अकाउंट में, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। और अगर आप लोग इस माइंडसेट से जाते हैं ना किसी भी चीज़ को करने के लिए कि यार मुझे पैसे कमाने हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप उस चीज़ को शायद इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, आप शायद उस चीज़ को इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उसको अच्छा कर सकते हैं, आप उस चीज़ को इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको काम काम नहीं लगता है, आप उस चीज़ को इसलिए कर रहे हैं कि आपको लगता है यार आप तो पैसे कमाओगे, तो वो माइंडसेट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हो जाता है। हाँ, आपको डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, आपको मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस भी रखनी चाहिए किसी भी चीज़ से, बट जब आप जाते हो किसी भी चीज़ में और आप सोचते हो कि यार यहाँ पर पैसे ज़्यादा हैं, ये छोड़ के ये कर लेता हूँ, वो थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको वो चीज़ काम काम के तौर पर नहीं दिख रही है, यानी कि आपको काम यानी कि कोडिंग फन लगती है, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत आराम से पैसे कमा सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट्स अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, लेकिन ऐसा नहीं है कि रातों रात आपको रिच बना दे या फिर आपको सुपर रिच बना दे। हो सकता है आप कोडिंग करो, आप एक जॉब में जाओ और आप सुपर रिच बनो भी ना, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ लीड करो। तो कहने का मेरा यहाँ पर मतलब ये है कि कोडिंग सारे लोगों को करोड़पति अरबपति नहीं बनाने वाली। जितने भी लोग कोडिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे लोग फेसबुक, ट्विटर या फिर गूगल जैसे प्रोडक्ट्स बनाकर लाखों करोड़ों रुपए छापेंगे दिन के हिसाब से, ऐसा नहीं होने वाला। हाउएवर, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना चाहिए, मैं तो हमेशा से कहता हूँ आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना चाहिए और कोशिशें करते रहनी चाहिए, कोशिशें बरकरार रहनी चाहिए। आपको कोई भी रिग्रेट होना हो, ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने कोशिश नहीं करी थी। तो ये थे कुछ मिथ्स जो कि मैं बस्ट करना चाहता था आप लोगों के लिए। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे DMs में, कमेंट्स में, तो मैंने सोचा कि इनमें से कुछ मिथ्स को मैं पकड़ कर क्यों ना वीडियो बना दूं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।